नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब आपको अगस्त के महीने की और वृष राशि वालों के लिए, ये वृष राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, कौन कौन सी तारीखें इनमें शुभ होंगी, क्या क्या विशेष परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ये जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वृष राशि वालों के इस महीने में राहु और मंगल ये दोनों 12वें स्थान में हैं। वृष राशि वालों को विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि 12वां स्थान बंधन का भी है और मोक्ष का भी है। बंधन भी हो सकता है। अब बंधन कई प्रकार के होते हैं। बंधन जो है, कहीं कोई कानूनी अड़चन आ जाए और हमारा बंधन हो जाए, या फिर हम बीमार होकर के कहीं हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति भी इसके अंदर आ सकती है। तो उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी का भी कोई विवाद आपको हो सकता है, तो उसके लिए भाइयों से आपका वैमनस्य हो सकता है, बिगाड़ हो सकता है, तू मैं हो सकती है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति आपके राशि से 11वें स्थान पर है और 11वां बृहस्पति आपको लाभ ही लाभ देने वाला है। हर प्रकार से लाभ, हर जगह से लाभ, और उसके साथ साथ पत्नी का सुख ये देने वाला है। जिनका अगर संबंध अब तक नहीं हुआ, हो सकता है उनका संबंध पक्का हो जाए। जिनका विवाह नहीं हुआ, हो सकता है उनके विवाह हो जाए। और जिनके संतान नहीं हुई है, हो सकता है संतान के आसार इस महीने के अंदर बन जाए। शनि आपके 9वें स्थान के अंदर चल रहे हैं और 9वें स्थान के अंदर बैठे हुए शनि अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो अपने घर के अंदर बैठे हुए शनि दो काम कर सकते हैं। विशेष लंबी यात्राएं आपको दे सकते हैं, देश विदेश का योग बना सकते हैं, और वो सारे योग आपके लिए लाभकारी होंगे। राज्य और धर्म दोनों की वृद्धि ये शनि आपको करने वाले हैं। राज्य से, राज्याधिकारियों से, राजनेताओं से और पिता से भी आपको लाभ हो सकता है। तो इन सारी जानकारियों के साथ साथ अगस्त के महीने में हर प्रकार से आपका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से तृतीय स्थान में चल रहे हैं और तृतीयस्थ सूर्य पराक्रम को बढ़ाता है, विजय दिलवाता है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हुए और महीने की जो पहली तारीख है यानी 1 अगस्त, वो 1 अगस्त जो है वो आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है। अकारण चिंता, अकारण भय, अकारण क्लेश इसके अंदर हो सकता है। 2 और 3 तारीख ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ जाने वाली है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया है, 2 और 3 अगस्त। अब 4, 5 और 6 तारीख इसके अंदर कुछ विवाद संभावित है, कुछ झगड़े संभावित हैं, कुछ शत्रुताएं संभावित हैं, कुछ रोग भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना होगा। और 6, 7, 8 तारीख ये जो 3 तारीखें हैं वृष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, और पारिवारिक जो लोग हैं, पति पत्नी हैं, उनके बीच में ये अच्छे माहौल को बनाने वाली है। 9 और 10 तारीख ये आपके लिए कष्टकारी सिद्ध होगी। कब की विकृतियां, जुकाम खांसी से लेकर के फेफड़े और मस्तिष्क संबंधी विकृतियां आपको हो सकती हैं, बीमारियां आपको हो सकती हैं, उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। 11 और 12 तारीख ये आपके लिए यात्राओं की है, इसके अंदर यात्राएं आपके लिए संभावित हैं, यात्रा हो सकती हैं और लाभकारी यात्रा होंगी, उनके अंदर आपकी विजय भी होगी और लाभ भी होगा। 13-14 तारीख राज्य और राज्याधिकारी, राजनेता, उनके लिए भी बढ़िया है, और आप अगर ये सब नहीं हैं, सामान्य जन हैं, तो आपको इन लोगों से लाभ हो सकता है, पिता से अच्छा सुख मिल सकता है, पिता से अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और 15-16 तारीख
अनायास लाभ का दिन है। अनायास अकारण कहीं से भी आपको लाभ हो सकता है, लाभ की सूचना मिल सकती है। और इसके बाद आपका 17 और 18 तारीख ये आपके लिए खर्चों की है। हाथ को भींच के रखिएगा, पैसे को बचा के रखिएगा। इस समय पर दिया हुआ पैसा या इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कहीं पर भी पैसा लगाया हुआ, वो आपका खतरे में पड़ सकता है। और 19, 20, 21, 22 और 23 ये 5 दिन तो आपके लिए पूरे महीने में सर्वश्रेष्ठ गुजरने वाले हैं। इन 5 दिनों के अंदर घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा, सुखद होगा, मन प्रसन्न रहेगा, किसी न किसी नए व्यक्ति के आने की जो है वहाँ पर खुशियाँ मिलेंगी, कोई ना कोई अच्छा माहौल, अच्छा उत्सव घर के अंदर होगा, धनागम भी होगा और पूरा का पूरा परिवार प्रसन्न चित्त रहने वाला है। 24, 25 और 26 तारीख में आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजय आपको प्राप्त होने वाली है। अगर उस समय पर कोई विजय, कहीं पर भी कोई केस है तो उसके अंदर विजय, कहीं पर कोई कंपटीशन है तो उसके अंदर विजय, कहीं भी कोई विवाद है तो उसके अंदर विजय, और अच्छा सुख और अच्छा मित्रों से और भाइयों से अच्छा लाभ आपको उस समय पर प्राप्त होगा। 27, 28 तारीख ये आपके लिए कुछ चिंताजनक रह सकती है। अकारण चिंता, अकारण भय और आकस्मिक रूप से कोई ना कोई क्लेश जो है वो हो सकता है। 29, 30 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, एग्जाम देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, कंपटीशन वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए ये दो दिन बहुत बढ़िया गुजरने वाले हैं। और 31 तारीख ये आपके लिए कुछ विवाद, कुछ कष्ट, कुछ शत्रुता, कुछ पीड़ा देने वाला है, तो इनके लिए जो है आपको सावधान रहना होगा। बाकी आपको विशेष जानकारियों के लिए हर कोई आदमी फ़ोन मिला देता है, मेरी राशि बताइए। अरे भाई, राशि तो आपके लिए YouTube के अंदर हमने वीडियो डाली हुई है, लेकिन विशेष जानकारियां अगर आपको प्राप्त करनी हैं तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के और हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं प्रदान करके और वहां की सेवाओं को आप प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।